Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, आज की जो फोटो एडिटिंग है ये है फेरी गर्ल या फिर बॉय के ऊपर बोल सकते हो, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग कि ये एडिटिंग जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये एडिटिंग बोथ जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि मेरी कोई भी एडिटिंग हो वो सभी के लिए होती है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। आप एक बार मॉडल को पुट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं ये एडिटिंग का ट्यूटोरियल नहीं लाने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया और ये जो एडिटिंग को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, जिसके वजह से मैं इसका ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीपल इमेजेस को मिलाकर एक नया बैकग्राउंड बनाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा नया ट्रिक है, और लाइटरूम का बहुत अमेजिंग सा करेक्शन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जितना भी इमेज यूज़ किया है सबका स्टॉक लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये जो खाली डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्ट फोटो में जाना है, और यहाँ से आपको एक नेचर जो है आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा, ये रहा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कटआउट टूल में जाना है और ड्रॉ करना है कुछ लाइन्स को। तो आप कुछ इस तरह से लाइन्स को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, इतने हिस्से को हमें क्या करना है, कटआउट करके निकालना है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे कटआउट निकल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। ओके, रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से रोटेट कीजिए आप। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी को एक बार डुप्लीकेट कर लेना है। ओके, तो हमें जाना होगा यहाँ पर लेयर में, ये रहा हमारा छोटा सा लेयर, डुप्लीकेट हो गया। इसके बाद आपको फ्लिप एंड रोटेशन में जाना और इसको फ्लिप कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ये फ्लिप भी हो गया। अब आपको कुछ इस तरह से सेट करना है, देखिए मैं जिस तरह सेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको करना ये है, इरेजर में जाना है और ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमें मैनिपुलेट करना है, यानी कि हमारा जो हार्डनेस है उसको कम करके हिस्सों को इरेज कर देना कुछ कुछ, ताकि ये पूरा का पूरा एक पहाड़ या फिर छोटा सा एक हिस्सा लगे, जहाँ पर नेचर का बना हुआ कुछ रॉक्स पत्थर वगैरह का कुछ ऊँचा सा चबूतरा जैसा फील हो। ओके, तो मैंने इस कुछ हिस्से को इरेज कर लिया है। अब क्या करना है, नीचे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा रियलिटी देना है। तो इरेजर में जाएंगे और यहाँ पर हार्डनेस जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब देखिए, कुछ इस तरह से आपको इरेज करना है, मैं जिस तरह से इरेज कर रहा हूँ आप इस पैटर्न को ध्यान रखें और इस तरह से इरेज कर लें। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिटिंग हो गई है, अब आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है बिना डन किए। ओके, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पर ज़मीन का कुछ हिस्सा है जहाँ पे हमें इसको ऐड करना है, तो क्रॉप में जाएंगे और ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं आप, आपको इतना क्रॉप कर लेना है। ओके, आपको इसको नीचे ले आना है और मूव डाउन कर देना है, जिससे ये नीचे की तरफ आ जाए। अब इसमें क्या करना है, कलर का कुछ करेक्शन करना है, तो आपको जाना होगा यहाँ से, ये रहा एडजस्टमेंट, और यहाँ पर इसका ब्राइटनेस कम कर देंगे और क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और जो कॉन्ट्रास्ट है उसको नीचे में ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, और सैचुरेशन जो है उसको भी कम कर लेते हैं। फाइन, अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा जो मैंने रॉक का लिया था, अब हमें शैडो पे क्लिक करना है। ठीक है, शैडो में इसका जो हार्ड ब्लर है उसका अमाउंट कम कर लेंगे। उसके बाद पोजिशन में जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको जीरो कर लेंगे और वर्टिकल पोजीशन को थोड़ा जैसा है 15% के पास वैसे ही रहने देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ रियलिटी आ गई है। अब आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। ओके, बिना डन किए, मेक श्योर आप डन ना करें। ओके, आप इसे ले लीजिए और मैं थोड़ा सा इधर से किनारे की तरफ से इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ एडजस्ट करना है, देख लीजिए। ओके, मैंने थोड़ा सा स्क्यू किया था साइड से, ये हो गया। अब आपको करना ये है कि मैं इसको यहाँ पर इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, ब्लर यहाँ पर सिर्फ 5% यूज़ करना है। ओके, 5% ही ब्लर यूज़ करेंगे। इसके बाद आप इसको मर्ज करके डन कर दीजिए। तो देखिए, ये ब्लर हो गया। अब इसे मूव डाउन कर देंगे सबसे पीछे, तो मूव डाउन पे 3-4 बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये पीछे की तरफ हो गई, ऑलमोस्ट बैकग्राउंड डन है। ओके, अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें वाटरफॉल ऐड करना है। तो ये रहा वाटरफॉल का इमेज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, यहाँ इस तरह से इतना दूर पे, और इसको मूव डाउन करके एकदम बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो मेन इमेज है, देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ ओपेसिटी कम करके, देखिए यही वाला। अब आपको इरेजर में जाना है और यहाँ से ऊपर के कुछ हिस्सों को इस तरह से इरेज करना है, ताकि हमें
ये जो पीछे का वाटरफॉल है वो नज़र आया अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इरेज कर लिया है। ओके, ये हो गया परफेक्टली डन। फाइन, अब मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। और अगर मान लो किसी को ये बैकग्राउंड बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, बना बना है बैकग्राउंड, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको टूल में जाकर इसका थोड़ा सा कर्व ऊंचा कर देना है, तो देखिए कुछ इस तरह से लगेगी। अब मैं इस बैकग्राउंड को सेव कर लिया है मैंने, और मैं आपको दे दूंगा अगर आपको वो ज़रूरत हो तो। इसके बाद अब मॉडल को बैठाते हैं, तो ऐड फोटो में जाएंगे। ये रहा हमारा मॉडल, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अच्छे से। ये रहा, पैर को इस तरफ से मैंने रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पर हमें शेडो बनाना है। तो ये रहा एक फ़ोटो, मुझे एक मीम था, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये ब्लैक कलर का था, मैं आपको ब्लैक कलर का फ़ोटो दे दूंगा। ठीक है, इसको पैरों के पास यहाँ पर एडजस्ट करना है और यहाँ पर लेयर में जाकर मूव डाउन कर देना है। इरेजर में जाना है, स्विच करना है और इसको पेंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आप पेंट कर लीजिए, जिससे यहाँ पर शेडो बन जाएगी। ओके, तो हमारा शेडो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका है। अब हमें ऐड करना है क्या, ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से हमें विंग ऐड करना है। तो ये रहा हमारा विंग, इस तरह से मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मूव डाउन करना है हमें, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये रहा मूव डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करना है। ओके, तो मैं इसको फिर से टच कर देता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये डुप्लीकेट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर रहा हूँ, जिससे ये पीछे का जो विंग है वो भी बन पाए। इसके बाद इसको पूरी तरह से मूव डाउन कर दूँगा, पीछे की तरफ चला जाएगा ये। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको फिर से एक और बार कॉपी करना है। ठीक है, तो इसको एक बार और डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इरेज कर लेना है। सॉरी, तो मैं कुछ हिस्सों को इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कुछ नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। ओके फाइन, अब आपको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये हो गया डुप्लीकेट, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, रोटेट कर लेता हूँ। फ्लिप एंड रोटेट पे क्लिक करके इसको फ्लिप कर लेता हूँ। ये रहा, और आपको कुछ इस तरह से ऐसे ऐड कर देना है यहाँ पर। ओके, जिससे कर्वेचर ऑफ विंग्स दिखाई दे आपको, यानी कि कर्वी घुमा हुआ है ऐसा फील आए। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको हेयर ले लेना है। ओके, अगर आप बॉय हैं यानी लड़का है तो आपके पास तो हेयर का पीएनजी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा हेयर का पीएनजी भी। ओके, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेयर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा मैश हो गया। मैं इसको फिर से जगह पर अच्छे से सेट करता हूँ, ये यहाँ पर होगा शायद। ओके, ये ऐड हो गया। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा फोटोज़ हैं जिस मर्ज करने के लिए, जिसके वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसका ट्यूटोरियल थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अब मैं इसको सेट कर दिया, इसके बाद मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर इस जगह पे हार्डनेस कम करके अच्छे से पेंट कर देता हूँ। तो ये रहा, मैंने पेंट कर दिया, मैं इसको कुछ हिस्सों को इरेज भी कर लेता हूँ अच्छे से। ये रहा, अब यह हमारा परफेक्टली बैठ गया हेयर। लेकिन मैं मॉडल को एक बार फिर से टच करता हूँ और इरेजर में जाता हूँ, और जो हेयर बच गया है मैं उसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये रहा, जो एक्स्ट्रा पार्ट से यहाँ पर इरेज हो चुका है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ओपेसिटी, ताकि ये रियल लगे हेयर। अब आपको करना ये है कि ऐड फोटो में जाना है यहाँ से, और ये रहा हमारा एक पीएनजी, यानी ये लीव है, पत्ते हैं, जिसके पीएनजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट भी कर लीजिए, और ये जो बड़ा विंग्स है यहाँ से लेके लास्ट तक इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया परफेक्टली यहाँ पर ऐड। अब मैं इसको क्या करूँगा, डन कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी फोटो एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, बट न मॉडल बैकग्राउंड से मैच कर रहा है और ना ही बैकग्राउंड कुछ अच्छा लग रहा है। ओके, आपको जाना होगा टूल में, टूल में जाकर आपको रेडियल ब्लर चूज़ करना है, यानी कि रेडियल वाला यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये रहा, और इस तरह से आपको करना है, और जो ब्लर का जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 10% ही रखेंगे हम लोग। ओके, तो ये रहा हमारा ब्लर ऐड हो गया। सिर्फ हमें मॉडल पे फोकस करना है और आसपास की चीज़ों को हमें ब्लर कर देना है, क्योंकि ये वाइड एंगल जगह है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर फील्ड ब्लर का इस्तेमाल किया। अब आपको करना ये है कि आपको जाना होगा सिर्फ ड्रॉ टूल में, और इस फोटो एडिटिंग को कर लेना है सेव। ओके, पर इसका कलर का करेक्शन बाकी है, तो ओपन करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये ऑफलाइन भी है। ओके, तो ये रहा हमारा लाइटरूम। अब हमें क्या करना है, सिंपली जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद आपको मिक्स में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर,
इसको मैं यू जो है -100 कर दूंगा, जिससे इसका कलर थोड़ा सा मैच हो जाएगा। अब आपको करना ये कि यहाँ से आपको जाना है ऊपर वाला जो 4 एरो है वहाँ पे क्लिक करना है, यू लेना है, और ये जो नीचे का जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको हमें क्या करना है, यू को माइनस करना है, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा ऑरेंज कलर में आ जाएगा और इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है। फाइन, अब आपको करना ये कि यहाँ पर ये चीज़ तो कम्प्लीट हो गई। अब आपको जाना है सेलेक्टिव टूल में। सेलेक्टिव में आपको लेना है ये रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल टूल को मैं अच्छे से पूरी तरह से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ऐसे। ये कम्प्लीटली पूरे फोटो के ऊपर आपको चाहिए। अब इसके बाद आपको जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद मैं इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम करता हूँ, -12 या 15% के पास में, और कलर जो है यहाँ पर यू आपको लेना है 19 और सैचुरेशन जो है आपको लेना है करीब 35 के पास, यानी 15 का मेरा यू हुआ। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड जो मॉडल के साथ अब मैच भी हो रही है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब लाइट में चलते हैं, यहाँ कॉन्ट्रास्ट कम कर लेते हैं, हाईलाइट कम करेंगे, इसके बाद शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, अब आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है बिल्कुल ज़रा सा एकदम बढ़ाना है, और विब्रेंस जो है 20 के पास में, और सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा सैचुरेशन रहना ठीक नहीं है। अब इसके बाद आपको करना ये कि यहाँ पर इफेक्ट में चलेंगे, यहाँ पर आपको टेक्सचर ऐड करना है। फर्स्ट टाइम टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ 15%, क्लैरिटी ऐड करेंगे 32%, और डीहेज यहाँ पर 20% के पास ऐड करेंगे, और विग्नेट को भी माइनस करना है, करीब करीब हमें 14% के पास इसको माइनस कर देना है। ओके, अब आपको जाना है शार्पनेस में। शार्पनेस इसका बढ़ा देंगे करीब 67% के पास, और यहाँ नॉइस रिडक्शन ऐड करेंगे और कलर नॉइस रिडक्शन भी ऐड करेंगे, दोनों सेम अमाउंट पर ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग जो पहले ऐसी दिख रही थी और ये अब ऐसी दिख रही है। बैकग्राउंड जो है मॉडल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, विंग्स मैच कर रहे हैं, और मॉडल जो बैकग्राउंड है पूरी तरह से अमेजिंग और इंटेक्चुअल है ये। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये फोटो एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा डिमांड किया था, और आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से ये एडिटिंग समझा पाया हूँ, ताकि बैकग्राउंड अगर बनाने में भी कोई दिक्कत अगर होती है तो आप जो क्या कर सकते हैं कि मेरा जो लिंक है वहाँ से आप डायरेक्ट बना बनाया बैकग्राउंड यूज़ करके आप अपना फोटो एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको प्रीसेट्स नहीं दे पाता हूँ क्योंकि फ़ोन में प्रीसेट्स नहीं बनते। ओके, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।